हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही आसान सी, बहुत ही क्विक, बहुत ही टेस्टी रेसिपी जो कि है लो इन कैलोरी और स्पेशली ये है हमारे वेजिटेरियन वीगन दोस्तों के लिए। तो आज की रेसिपी है लो कैलोरी क्रिस्पी टोफू। अब एक फ्लैट प्लेट में मैंने कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं। आप कोई भी कॉर्नफ्लेक्स जो मार्केट में अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं और इसको मैं फर्दर छोटे पीसेस में ब्रेक कर रही हूँ जिससे मेरी कोटिंग बहुत ही अच्छे से हो जाए। सबसे पहले मैंने टोफू को स्मॉल पीसेस में कट करा है। यहाँ मैंने 200 ग्राम्स टोफू लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। शुरू करते हैं हमारी मेन सीजनिंग। एक बड़े से बोल में आप अपना टोफू डालिए और सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक डालिए। नेक्स्ट इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स, थोड़े मिक्स्ड हर्ब्स और एग्नो और साथ में कॉर्न स्टार्च जिससे अच्छे से टोफू की कोटिंग हो जाए। और साथ में मैं 2-3 टीस्पून ऑलिव ऑयल भी डाल रही हूँ जिससे हम कॉर्नफ्लेक्स को अच्छे से टोफू पे कोट कर सकें। आपके टोफू की क्या सीजनिंग होनी चाहिए वो टोटली आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। मेरे को ये सीजनिंग पसंद है इसलिए मैं ये डाल रही हूँ, लेकिन अगर आपको इंडियन या देसी स्टाइल का टोफू खाना है अपने घर के मसाले डाल के तो वो आप बेझिझक डाल सकते हैं, वो आपके बिल्कुल ऊपर निर्भर है। अब लास्ट में टोफू को कोट करना है कॉर्नफ्लेक्स से। ये आप देख सकते हैं ये मेरी डिश अभी से ही कितनी बढ़िया दिख रही है और यकीन मानिए बहुत टेस्टी भी है। और अब आता है मेरा सुपर हेल्दी स्टेप, मैं अपने क्रिस्पी टोफू को एयर फ्रायर में बनाऊंगी। अब मैं इस टोफू को अप्रॉक्स 30 मिनट्स के लिए कोट करूंगी क्योंकि मुझे ये ज्यादा क्रिस्पी चाहिए इसलिए मैं इतना लंबा कुक कर रही हूँ। आपकी मर्जी है, आपको अपने हिसाब से जितना क्रिस्पी चाहिए आप उतना इसको कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं टोफू कितना इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है वेजिटेरियन वीगन के लिए? इट इज एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड आयरन एज वेल। और मेरी डिश हो चुकी है रेडी। इसको मैं गार्निश करूंगी कोरिएंडर लीव्स से, थोड़ा चिली फ्लेक्स से और मेरे पास ऑलरेडी बेजल पेस्टो बनी हुई थी तो मैं उसको भी इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये बस एक एड ऑन है, आपकी मर्जी है, आप इसके ऊपर चाट मसाला भी डाल सकते हैं, नॉर्मल टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप डालिए। ओहो मजा आ गया, सच में बहुत ही बेहतरीन डिश बनी है। ये आप अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं, बच्चों को स्कूल में दे सकते हैं, बच्चे बहुत खुशी से खाएंगे है क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी है, लो इन कैलोरी है, बहुत ही आसान है बनाने में।